परम शांति। जैसे मौन की इफेक्ट होती है लोगों के मन पर, चंद्र को मन का कारक कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं कि जब चंद्र धरती के नज़दीक होता है तब चंद्र फुल फ्लेश में बड़ा दिखता है, तो जितना बड़ा दिखेगा इतनी बड़ी इफेक्ट धरती तक, धरती के जल तत्व, जल फ्लेक्सिबल है तो जल तत्वों पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, वायु तत्वों पर भी इफेक्ट करता है, इसलिए वायु तत्व भी इफेक्ट होता है। जब जल तत्व को इफेक्ट करता है, क्योंकि जल तत्व स्थूल है तो वो वायु तत्व को भी इफेक्ट करता है, तो जब वायु तत्व को इफेक्ट करता है तो उसके अंदर रही हर कोई चीज़ को इफेक्ट करता है, क्योंकि वायु के अंदर आकाश है तो आकाश में अवकाश में भी चेंज होता है, क्योंकि वायु तत्वों में या जल तत्वों में रिएक्शन आया। देखो बॉडी मन की, मन का कारण क्यों बोला, मन पर कैसे रिएक्शन करता है, डायरेक्ट सीधा मन में तो नहीं घुसेगा ना। चंद्र का जो ग्रेविटी फोर्स आया, समझो हम उसको ग्रेविटी फोर्स कहेंगे साइंस की भाषा में, चंद्र का जो ग्रेविटी फोर्स बढ़ा और सीधा बॉडी पर आया, तो बॉडी से उसका ग्रेविटी फोर्स बॉडी के ओरा में आएगा, बॉडी के ओरा के अंदर उसका फोर्स घुसकर फिर स्थूल शरीर पे आएगा, स्थूल शरीर के स्थूल मिट्टी तत्व, स्थूल शरीर का मिट्टी तत्व पर इफेक्ट कम होता है। बॉडी 2/3, बॉडी के अंदर 2/3 वाटर है, तो जैसे दरिया पे इफेक्ट होता है, दरिया में इफेक्ट होता है, दरिया के जल तत्व पर इफेक्ट होता है, चंद्र की ग्रेविटी से दरिया को इफेक्ट करता है, तो ऐसे बॉडी के अंदर 2/3 वाटर है, तो बॉडी के अंदर जो वाटर है उसके अंदर बॉडी के वाटर को इफेक्ट करता है, तो बॉडी का बॉडी के वाटर को भी इफेक्ट किया, क्योंकि जल तत्व तो बहुत शरीर में है, 75, मोर देन 70%, तो और फिर सूक्ष्म तत्व भी हैं, वायु तत्व भी हैं, तो वायु तत्व को भी इफेक्ट करेगा और वायु तत्व में इफेक्ट करेगा तो जरूर आकाश तत्व भी इफेक्ट होगा। आकाश तत्व माना मन, मन जो स्थूल आकाश तत्व है तो स्थूल मन है, तो जो आवरण है उसमें कारण शरीर में जो इफेक्ट होगा, जल तत्व स्थूल स्थूल तत्व को भी इफेक्ट करेगा, जल में ज़्यादा इफेक्ट करेगा, धरती तत्व को कम इफेक्ट करेगा, ना के बराबर होगा, जल तत्व को इफेक्ट किया, वायु तत्व को इफेक्ट किया, तो जल और वायु का इफेक्ट आकाश तत्व पर पड़ेगा, और आकाश तत्व माना कारण शरीर, और कारण शरीर का इफेक्ट सीधा मन पर पड़ता है, तो मन को प्रभावित करता है, तो मन इसका इतना प्रभावित हो जाता है कि उसी टाइम पर कई लोगों को बहुत इफेक्ट करता है, तो पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं। मगर किस पर इफेक्ट होता है, जो मन, जिसका मन, मन के अंदर बहुत कचरा भरा होता है, बहुत कचरा होता है, तो और वो इफेक्ट ज़्यादा करता है। मन मन किसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, मन में ज़्यादा सेंसिटिविटी कहाँ से आती है, मन के अंदर सेंसिटिविटी है, कोई के अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, तो सेंसिटिव के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिनके अंदर ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो केवल चंद्र की इफेक्ट नहीं, सभी ग्रहों की भी रिएक्शन तो होती है ना, उसका ग्रह हो चाहे दूर बड़े बड़े सितारे हैं, तो सितारे जब देखते हैं, तुम रात को सितारे देखते हो तो देखोगे तो तुम देखते हो, जो चीज़ देखते हो उसकी इफेक्ट तो आती है, भले हल्की आए, बहुत कम आए, ना के बराबर आए, पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट तो करती हैं, इसलिए ये अति सूक्ष्म। मगर वो जो चंद्र का जो ग्रेविटी फोर्स में कौन सा तत्व है ये समझना पड़ेगा ना, जो जल और वायु तत्व को भी इफेक्ट करता है, जल तत्व को भी इफेक्ट करता है, तो कौन सा मून के अंदर कितना, कौन सा, तो उसके अंदर से जो कौन सा तत्व है, जो या तो तत्वों को इफेक्ट करने वाला तो परम तत्व ही हो सकता है, तो हल्का सा परम तत्व की क्वालिटी होगी, जो या तो आकाश तत्व ही जल और वायु को इफेक्ट कर सकता है, और आकाश तत्व में हल्का सा परम आकाश हो, हल्का सा परम आकाश हो, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी रिएक्शन आता है उसके अंदर, चाहे सूर्य की ग्रेविटी हो, ग्रेविटी माना परम आकाश, अंदर अंदर परम आकाश होता है, उसके मूल के अंदर, मूल
आकाश तत्व का मूल है परमाकाश। आकाश तत्व स्थूल आकाश, स्थूल आकाश स्थूल वायु स्थूल जल को इफेक्ट करता है, तो उसके अंदर हल्का सा परमाकाश मूल तत्व होता है मूल, और वो जरूर परम आकाश ही आकाश तत्व को रिएक्ट करता है, और आकाश तत्व जल और पृथ्वी को रिएक्ट करता है। इसलिए चंद्रमा में जो है वो जरूर उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी रिएक्शन पावर है कि जो ग्रेविटी फोर्स क्रिएट होती है, हमेशा ग्रेविटी फोर्स माना परम आकाश तत्व, ये हमेशा रखना। भले ऊपर वो साइंस वाले तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आकाश तत्व को तो कितना, जैसे आकाश तत्व का एटम को तो पकड़ नहीं पाएंगे, वायु तत्व का एटम पकड़ के उसको तोड़ सकते हो, उसके अंदर कई फ्रैक्शन कर सकते हो, दो तीन चार फ्रैक्शन कर सकते हो, मगर आकाश तत्व को अभी तक आकाश तत्व को तोड़ने कर अंदर से परम आकाश निकाल पाओ ऐसी कुछ नहीं है। अगर परम आकाश न हो तो, परम आकाश का अंश भी न हो तो ब्रह्मांड टिक नहीं पाएगा। परम आकाश तत्व के कारण ही सारे स्थूल तत्व भी स्थूल आकाश स्थूल वायु स्थूल तत्व तो टिके हुए हैं। तो वो अंदर मूल में परम आकाश होता है, और ग्रेविटी का मूल कारण ही परम आकाश होता है, परम शांति।